उत्तर प्रदेश दिवस के प्रेरणा स्रोत उत्तर प्रदेश के माननीय श्री राज्यपाल जिनका मार्गदर्शन इस आयोजन की नींव डालने में सबसे महत्वपूर्ण रहा है, हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, उप मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, हमारी सरकार की वरिष्ठ मंत्री आदरणीय डॉक्टर रीता बहुना जोशी जी, आदरणीय एस पी सिंह बघेल जी, आदरणीय श्री चेतन सिंह चौहान जी, आदरणीय नीलकंठ तिवारी जी, हमारे प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राजीव कुमार जी और यहाँ उपस्थित अन्य सभी अधिकारीगण, पत्रकार मित्रों और जिनके नाम पर आज का ये आयोजन रखा गया है, ऐसे मेरे युवा साथियों, इस देश का भविष्य युवाओं के हाथ में, और मैं यहां विश्वास के साथ कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं, जो प्रतिभा है हमारे बच्चों में, ऐसी प्रतिभा जो भी आपने सबने यहां पर सुना, छोटा सा कोई विषय मिल जाता है तो किस प्रकार की कल्पनाएं, किस प्रकार का चित्र, किस प्रकार के उत्तर प्रदेश, किस प्रकार के भारत के निर्माण की योजना उनके ध्यान में है। मैं आज उत्तर प्रदेश दिवस के इस मौके पर पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि आज दुनिया का सबसे शक्तिशाली नेता अर्थात माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में भारत के प्रधानमंत्री हमारे पास हैं। और मैं आज यह भी कह सकता हूं कि दुनिया का अगर सबसे शक्तिशाली नेता हमारे पास है तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली भारत बनाने से हमें कोई रोक नहीं सकता। जिस प्रकार से पूरे विश्व में नेतृत्व करने की क्षमता भारत ने दिखाने का काम किया है, अनेक उसके विषय है, आज मैं बहुत भारत के विषय पर चर्चा, देश के विषय बहुत नहीं करूंगा, उत्तर प्रदेश में करूंगा। जिस प्रकार से नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन हुआ है, जिस प्रकार से पूरी विश्व बिरादरी के अंदर भारत ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है माननीय श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उससे आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में सबसे शक्तिशाली नेता भी हमारा होगा और सबसे शक्तिशाली राष्ट्र भी हमारा होगा। और जब से उत्तर प्रदेश में आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी है, तब से उत्तर प्रदेश जिस गति से विकास के पथ पर आगे बढ़ा है, उसी विश्वास के साथ कि जिस प्रकार से राष्ट्रीय नेतृत्व के बल पर हम देश को नंबर एक बनाने की कल्पना कर सकते हैं, उसी प्रकार से प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम उत्तर प्रदेश को भी नंबर एक बनाने में सफल होंगे पूरे देश के साथ। उत्तर प्रदेश दिवस के समारोह का आज तो आयोजन है, संयोग से 23 तारीख को उत्तर प्रदेश दिवस की पूर्व संध्या पर माननीय श्री राज्यपाल जी के निर्देश पर मुझे मुंबई जाने का मौका मिला, जहां पर आज से 30 साल पहले से उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता था, और जिस प्रकार का उत्साह वहां देखने को मुझे मिला था, मुझे स्वयं आश्चर्य लग रहा था कि जो उत्तर प्रदेश अपना उत्तर प्रदेश दिवस नहीं मना रहा और वहां 30 साल पहले से उत्तर प्रदेश दिवस हमारे उत्तर प्रदेश के लोग जाकर के मुंबई में मनाने का काम कर रहे हैं, मैं माननीय राज्यपाल जी का उत्तर प्रदेश का निवासी होने के कारण से हृदय से धन्यवाद करना चाहूंगा। उन्होंने हमको प्रेरणा दी और हमें अवसर दिया और हमने इस मंच के माध्यम से सरकार से प्रदेश उत्तर प्रदेश दिवस मनाकर उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने की कल्पना को बढ़ाने का काम कर सकते हैं। मैं आज आप सबके सामने इतना ही विश्वास दिला करके, क्योंकि कार्यक्रम लंबा है, बहुत लंबी बातें नहीं करूंगा, आज उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ा, कल भारत सरकार के जो भूतल परिवहन मंत्री है, जो सड़क बनाने का, परिवहन का, जल संसाधन का, गंगा जी का,
या कई जो जहाज मंत्रालय इसके आधे दर्जन से लगभग मंत्रालयों के मंत्री और जिनकी गति इतनी तेज है, जिनकी विजन इतने बड़े हैं, उनका आगमन उत्तर प्रदेश में हुआ। कल हम लोगों की बैठक हुई, आज के अखबार में आपने पढ़ा भी होगा, उन्होंने उत्तर प्रदेश में सड़कों के विकास के लिए 2,00,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश को देने की घोषणा। हम राष्ट्रीय राजमार्गों का बड़े पैमाने पर प्रदेश में निर्माण करना चाहते हैं, हम गांवों को भी मुख्य मार्गों से जोड़ना चाहते हैं, हम ब्लॉक और तहसील को भी एक दूसरे से जोड़ना चाहते हैं, हम नवीनतम तकनीकी का इस्तेमाल करके उत्तर प्रदेश की सड़कों को इतनी मजबूत बनाना चाहते हैं उनकी आयु 5 साल नहीं 50 साल हो जाए, हम इस ओर आगे बढ़ना चाहते, हम भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से लगाम लगाना चाहते। और उत्तर प्रदेश का विकास जब हमारी अच्छी सड़कें होंगी, जब हमारे पास 24 घंटे बिजली होगी, जब पीने का शुद्ध पानी होगा, जब अच्छी शिक्षा हमको मिलेगी, नकल विहीन शिक्षा, ऐसी शिक्षा हमारे पास होगी, तब उत्तर प्रदेश का जो स्थान है, सदैव उत्तर प्रदेश ने देश को नेतृत्व देने का काम किया है। पूरे आंकड़े मेरे पास नहीं है, लेकिन चाहे नासा का अनुसंधान केंद्र होगा, उस अनुसंधान केंद्र में भारतवासियों के नाते हमारी जो वैज्ञानिकों की संख्या है वहां पर, और उस वैज्ञानिकों की संख्या में सबसे ज्यादा वैज्ञानिक उत्तर प्रदेश के होंगे। अगर दुनिया के अंदर चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ भी याद है तो भारत का सर्वाधिक योगदान है, और भारत का जब योगदान होता है उसमें से उत्तर प्रदेश के लोग सर्वाधिक संख्या में होते हैं। हम सभी क्षेत्रों का, शिक्षा का क्षेत्र, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र, और जो रोजगार के अवसर है युवाओं के उत्तर भविष्य के लिए, वह बड़े पैमाने पर पैदा करने की दृष्टि से जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जा रहा है, अभी आपको मालूम है 21 और 22 फरवरी को उत्तर प्रदेश में निवेशकों का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर होने जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश का वातावरण बदल रहा है, उत्तर प्रदेश विकास के पद पर आगे चला है, और उत्तर प्रदेश को विकास के पद पर आगे ले जाने के लिए उत्तर प्रदेश दिवस पर इस प्रकार के निर्णय लेने से, इस प्रकार के निर्णय को आगे बढ़ने से अच्छा अवसर कोई नहीं हो सकता था। अभी आने वाले समय में हम सब लोग, अभी करादली गडकरी जी कह रहे थे, अभी लोगों को लगता होगा कि अगर कोई बस रोड में चल रही है तो पानी पर भी चल सकती है क्या? हाँ मित्रों, वो पानी में भी चल सकती है। कल उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश को अभी हम एक भेद स्वरूप देने वाले हैं कि सड़क पर भी वो बस चलेगी और नदी पर भी वही बस चलेगी। इस प्रकार की तकनीकी का विकास युवाओं के लिए प्रेरणा का केंद्र है। सी प्लेन की योजना, यह आप सब जानते हैं किस प्रकार से अभी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के अंदर उसमें चढ़कर के यात्रा की थी, उस प्रकार का सी प्लेन हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर भी चले, इसकी भी योजना बनी है। पानी की बर्बादी ना हो इसके लिए केन बेतवा बुंदेलखंड में पानी की बड़ी समस्या है, हमारा बहुत सारा पानी बह करके बर्बाद होकर के समुद्र में चला जाता है, हम उसकी रक्षा कैसे करें? उसके लिए अभी तक हम नहरें बनाते थे, लेकिन कल मैं आपको बताना चाहता हूँ, और आप सब युवा हैं, उससे भी अच्छा सोच सकते हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं। अभी हमें नहरें देखने को तो मिलती हैं, बहुत बड़ी बड़ी नहरें हैं, उसके लिए जमीन का अधिग्रहण करना पड़ता है, लेकिन वो नहरें अभी कल आदरणीय गडकरी जी ने कहा कि अब नहरें हम नहीं बनाएंगे, अंडरग्राउंड इतनी बड़ी पाइपलाइन निकाल करके एक एक बूंद पानी का उपयोग करके एक एक इंच भूमि को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने का काम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से करेंगे। ऐसे तमाम क्षेत्रों में जो विकास की एक नई गाथा उत्तर प्रदेश में लिखने का काम शुरू हुआ है, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश का सम्मान पूरे देश के अंदर बढ़ा है, मैं भी मुंबई से होकर के आ रहा हूँ जहाँ सबसे बड़ी संख्या में हमारे उत्तर प्रदेश के निवासी रहते हैं, जिस उत्साह से भरे हुए हैं उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनने के बाद से एक माहौल बदला है, एक परिस्थिति बदली है। अब लोगों को लग रहा है विकास होगा, अब लोगों को लग रहा है कि भ्रष्टाचार मिटेगा, अब लोगों का विश्वास हुआ कि अपराध पर लगाम लगेगी और वह लगा देने का काम किया है। मेरे युवा साथियों, मैं आप सबको आज यही आह्वान करके कि आप उत्तर प्रदेश के निर्माण में जिस प्रकार से आज यहाँ पे आप सबको उद्बोधन का अवसर मिला, मैं पूरा नहीं सुन पाया, थोड़ा जाम में फंस गया था, बहुत जबरदस्त इतना महोत्सव है, भारी संख्या में लोग आए हैं, लेकिन जिस प्रकार के आपकी कल्पनाएं हैं आपको आह्वान करता हूँ।
हम सरकार की ओर से आप अपनी कल्पनाओं को साकार करने के लिए आप अपनी योजना बनाइए, अपनी कल्पनाएं दीजिए, कैसे क्या उत्तर प्रदेश का विकास कैसे हो सकता है, देश का विकास कैसे हो सकता है, गांव का विकास कैसे हो सकता है, गरीब के जीवन में खुशहाली कैसे लाई जा सकती है, अधिक रोजगार कैसे पैदा किए जा सकते हैं। आपके अंदर प्रतिभा है, अपनी प्रतिभा को प्रकट करिए, उस प्रतिभा को आप योजना बना करके सरकार तक देंगे और योजना का अध्ययन करके निश्चित तौर से सरकार के माध्यम से रोजगार के रूप में, अवसर के रूप में, विकास के अवसर के रूप में उत्तर प्रदेश के हित में सरकार की ओर से भी आपके द्वारा दी गई कोई भी योजना होगी उस पर जरूर से जरूर विचार किया जाएगा। मैं आप सबको आज यह भी बताते हुए मुझे हर से एक लाइन बात और करके मैं खत्म करूंगा। अभी पिछले वर्ष हमने जो हाई स्कूल और इंटर में टॉपर बच्चे थे, जिन हाई स्कूल में टॉप 10 थे, इंटर में टॉप 10 थे, हमने लोक निर्माण विभाग के माध्यम से जो विभाग संयोग से मेरे पास है, हमने कहा जिन बच्चों ने टॉप किया है उत्तर प्रदेश के अंदर, उन बच्चों के हाथ से शिलान्यास करवा करके जिस गांव के रहने वाले, जिस मोहल्ले के रहने वाले, जिस कस्बे के रहने वाले हैं, अच्छी जितनी सड़कें अच्छी हम बना रहे हैं उससे भी अच्छी सड़क बना करके उसी बच्चे से शिलान्यास करवाएंगे और उसी बच्चे से उसका उद्घाटन करवाएंगे। अर्थात संदेश है, सरकार चाहती है आप उत्तर प्रदेश में पहला स्थान किसी भी क्षेत्र में प्राप्त करें, आप उत्तर प्रदेश के टॉप 10 में अपना स्थान लाने का काम करें, आपके सम्मान के लिए, आपके विकास के लिए सरकार की ओर से हर मौका, हर अवसर, हर सम्मान आपके लिए प्रस्तुत किया जाएगा, प्रदान किया जाएगा। आज के दिन इतना ही आह्वान करके, निवेदन करके मैं अपनी बात पूरी करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले भारत माता की। आज गणतंत्र दिवस है, इसे जोर शोर से लगना चाहिए। आज हमारी सेनाएं जिस प्रकार से सीमा की सुरक्षा करने के लिए देश के दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए तैयार रहती है, ये सीमा तक आवाज जानी चाहिए, क्योंकि भारत की सेना में उत्तर प्रदेश के जवानों की भी भारी संख्या है। और यह संदेश जाना चाहिए कि यहाँ युवा बैठा हुआ है, वो भी भारत।